रुक रुक, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे मार उसको मार उसको मार उसको मार उसको। सुन ना बेटा, जरा नमक लिया ना बाजार से। यार ये लोग अच्छा खेल रहे हैं। क्या हुआ? नमक खत्म हो गया, जरा बाजार से ले आ। अभी देखा मैंने। यार पागल हो गई क्या? अभी तो मैं नीचे से सामान लेकर आया हूँ, आपको पहले नहीं दिखता क्या ये सब? हद है यार, अब मैं नहीं जा रहा, मेरा गेम चल रहा है। बेटा ले आ ना, खाना बनाने में प्रॉब्लम आएगी मुझे। फिलहाल तो प्रॉब्लम मुझे आ रही है अभी गेम खेलने में। अब प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे गेम खेलने दो। कोई जरूरत नहीं आपको नीचे जाने की। आपको पता नहीं बाहर वायरस फैल रखा है, और वैसे भी ना आपकी उम्र वालों को बाहर जाना मना है। उम्र वाले? तू मुझे बुढ़िया बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अच्छा सॉरी, मेरी माँ 16 साल की लड़की मर गया ना। मैं 16 साल की लड़की बस खुश। अब प्लीज जाओ मुझे गेम खेलने दो, मेरा टूर्नामेंट चल रहा है, पैसे लगा रखे मैंने। यार बेबी यार, इस लॉकडाउन में ना मेरा दिमाग खराब हो गया है। कितने महीनों से तुम्हें देखा नहीं है। चल छुट्टी। अरे सचमुच में यार। अच्छा एक काम करना, अपनी एक पिक सेंड करना। ठीक है, फोन रखो, मैं तुम्हें सेल्फी भेजती हूँ। अरे सेल्फी नहीं यार, मुझे ना तुम्हारी वो वाली पिक्चर चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या पहना हुआ है? गेस करो, तुम्हारा फेवरेट रेड वाला। क्या सच्ची? अब तो मैं डबल एक्साइटेड हो गया हूँ यार। और तुमने? मैंने कुछ नहीं पहना है। ओ तो पिक्चर छोड़ो, वीडियो कॉल पे आओ। क्या सच्ची? हाँ मुच्ची। ओके जल्दी करो फोन, मजा आएगा। बेटा बेटा मजा आएगा। अमर बेटा, लगता है सारा दिन ना गेम खेल खेल के इसके कान ही खराब हो गए हैं। फोन कर लेती हूँ। मजा आएगा आज तो, मजा। जल्दी आओ जल्दी आओ। हाय बेबी, कैसी हो? थोड़ा नीचे करो ना। अबे ये मम्मी का फोन क्यों आ रहा है मुझे? फोन काट दिया। अरे सॉरी यार, मम्मी का फोन आ गया था मेरे को, पता नहीं क्यों काट दिया मैंने। फिर से फोन कर, ये पागल हो गई है क्या यार? फिर काट दिया। अरे पता नहीं क्यों बार बार कॉल कर रही है मम्मी। अरे एक बार रुक जा यार तुम, मैं उनका ना फोन उठा लेता हूँ, वरना वो बार बार पागल की तरह फोन करती रहेंगी मेरे को। अरे यार हेलो। हाँ बोलो, क्यों कॉल करते कब से आप? बेटा कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ, कम से कम आवाज तो दे अंदर से। हाँ तो बोलो अब क्या है? बेटा जरा किचन से ना एक बॉटल पानी दे दे। पानी की बॉटल? मम्मी आप मुझे कब से पानी की बॉटल लिए कॉल कर रहे थे? आपको दिखता नहीं मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तभी तो मैं आपके फोन कट कर रहा था। हद है यार, पानी की बॉटल कौन कॉल करता, खुद नहीं ले सकते क्या? बेटा अगर हिम्मत होती ना खुद ही जाकर ले लेती, तुझे फोन नहीं करती। क्या यार, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा था मम्मी मेरा। हद है यार, सारा मूड आपने मेरा खराब करके रख दिया है। हद है, ले लो जाके खुद किचन से, कितना दूर है किचन आपसे? अच्छा ठीक है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। दो चक्कर लगा लोगे तो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा ना। ओके यू कंटिन्यू बेटा, मैं ले लूंगी। हाँ ठीक है चलो बाय। मजा आ गया यार। मम्मी मम्मी क्या बनाया आपने, भूख लग रही है यार। मम्मी 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 ओ मम्मी, क्या हुआ आपको? मम्मी 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 क्या मम्मी मम्मी
हेलो जी जी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है मैम, की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। बट आर यू श्योर डॉक्टर, बिकॉज उनकी हालत देख के तो मैं बहुत डर गया था। ऐसा कभी कभी होता है, अकेलापन अंदर से इंसान को वीक कर देता है, और वैसे भी उनको हाइपर स्ट्रेस है जिसकी वजह से उनको फिट्स पड़ गए। आप बस उनको अकेला मत छोड़िए और उनकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, उनको खुशियाँ दीजिए, बाकी सब ठीक है, नॉर्मल। Are you sure, doctor? ठीक है ना? Yes. और वैसे भी अगर कुछ problem होती है तो तुम मुझे call करना, ठीक है? ठीक है doctor. Thank you so much. Thank you. Bye. Bye. Sorry mummy, मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। मैंने आपको hospital तक पहुंचा दिया आज। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ मम्मी, I'm really sorry। आपके पैर पकड़ता मम्मी, I'm really sorry, प्लीज मुझे माफ कर दो मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, तुझे एहसास तो हुआ कि इस घर में तेरी माँ भी रहती है। मम्मी सच में बाहर में गई मेरी गेम, बाहर में गए सारे दोस्त, मेरी माइंड सबसे पहले पे आती है, सॉरी मम्मी। लवली बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं पेरेंट्स 24/7 उनके लिए अवेलेबल होते हैं, वो अपने दिन रात उनके साथ बिताते हैं, उनको खिलाने के बाद ही खाते हैं, उनको सुलाने के बाद ही सोते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं पेरेंट्स को वो आउटडेटेड क्यों समझते हैं? हम भी कभी ना कभी पेरेंट्स बनेंगे, कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे भी हमें ऐसे ही ट्रीट करें। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। देखो भैया, गेम्स तो चलती रहेंगी और बंदियों को घुमाना भी चलता रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पेरेंट्स से ज्यादा ऊपर और कोई नहीं है। आवर पेरेंट्स इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। हैप्पी मदर्स डे।